नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ में चटपटी, मसालेदार, टेस्टी, पौष्टिक और बेहद आसान शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे पहली बार बनाने वाले भी परफेक्ट बना लेंगे और सभी की शाबाशी पाएंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा, चलिए बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई ली मैंने, इसमें लगभग 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला और सरसों के तेल को पहले धुआं आने तक अच्छे से हम गरम कर लेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ करके इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद ही इसमें बाकी मसाले डालेंगे, पर इतना गर्म होना चाहिए कि मसाले तड़क सकें। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने मस्टर्ड सीड्स डाले हैं और आधा चम्मच जीरा डालेंगे। तो ये दोनों को अच्छे तरीके से हम तड़कने देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने लगभग 6 से 7 लहसुन ग्रेट करके रखा है, आधा इंच अदरक ग्रेट करके रखा है और 2 हरी मिर्च कट करके रखी है, पर हरी मिर्च मेरी लाल हो चुकी थी, उन्हें ही मैंने डाल दिया है। और इसको कुछ सेकंड्स के लिए हम भूनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने बारीक कट करके रखे हैं, उन्हें डाल देंगे और इसको हम लगभग 1 मिनट तक ही भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हमको इसका कलर अभी चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसे अभी हमको बाद में काफ़ी देर तक भूनना है, क्योंकि ये भुजिया फ्राई बन रही है सब्ज़ी। तो इसको स्टर फ्राई सब्ज़ी को प्याज शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट ही मैंने इसको भूना है और अब इसमें हम मिला देंगे ये आलू। यहाँ पर मैंने 3 आलू बड़े बड़े साइज़ में कट करके रखे हैं, ये देखिए थोड़े बड़े साइज़ में कट किए हैं, ताकि एकदम मैशी से ना हो जाए एंड में सब्ज़ी बनते बनते तक। और ये तीनों आलूओं को मैंने धो के अच्छे से पानी निकाल के रखा था, इसे इसमें डाल देंगे। अब ये प्याज है ना, इन आलूओं के साथ में भी भूनेंगे। तो देखिए बहुत आसान सब्ज़ी है, पर स्वाद इसका बहुत ही गजब का आता है। तो मैंने इसको सब में मिक्स किया, आलू को प्याज मसाले में, और उसके बाद ढक्कन को लगा देंगे और इसको 6 से 7 या 8 मिनट तक बढ़िया सा क्रिस्प होने तक भूनेंगे। तो पहले मैं आलू को इसके साथ में भून लेती हूँ, तो क्या होता है कि इसके ऊपर एक बढ़िया सा क्रस्ट आ जाता है, बिल्कुल क्रिस्पनेस आ जाती है आलूओं में, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लगभग 8 मिनट के बाद देखिए आलू बढ़िया से भून चुके हैं, पर हाँ, मैं बीच बीच में इसको खोल खोल के चलाती गई हूँ। अब 3/4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर इसमें डालेंगे, साथ में आधा चम्मच जीरा पाउडर भी इसमें डालेंगे। बहुत कम मसाले पड़ते हैं, ज़्यादा ढेर सारे मसाले नहीं पड़ते हैं। इनको हम फ्राई करेंगे, पर यहाँ पर अभी पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी बन रही है। इसको हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए हम भूनेंगे, मसाले जलने नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है और मसाले जले नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर डाल देने हैं। तो ये 2 टमाटर मैंने कट करके रखे हैं बड़े बड़े साइज़ में, और टमाटर जल्दी से कुक हो जाए तो सब्ज़ी में जितना नमक पड़ना है स्वादानुसार वो भी इसी समय ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हम पहले मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन को वापस से ढक देंगे और ढक्कन को ढक के इसको 2 मिनट ही कुक करेंगे, क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, जब हमने आलूओं को कुक किया था तो बीच बीच में खोल के उसको चलाते ज़रूर जाना है, वरना आलू नीचे से जल जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला, टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी इसी समय मैंने यहाँ पर 2 शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की बड़े बड़े साइज़ में कट करके रखी है, देखिए इस तरीके से, और इसको हम डाल देंगे। तो क्या है कि आलू मैंने चूंकि बड़े कट किए थे, तो शिमला मिर्च के पीसेस भी मैंने बड़े कट किए हैं, इसको आप छोटे भी कट कर सकते हैं। और इसके बाद इसको अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे, ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, और बस इसको भी ढक देंगे और ढक के हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ताकि शिमला मिर्च भी हल्की से सॉफ्ट हो जाए। और लगभग 3 से 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला, बीच में एक बार ज़रूर चलाया था इसको खोल के मैंने, और ये देखिए शिमला मिर्च भी बढ़िया से कुक हो चुकी है, पर ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा क्रंची सा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है सब्ज़ी में। और एंड में मैंने आधा चम्मच खटाई डाली है, अमचूर पाउडर, और इसमें टेस्ट को बहुत अच्छा करने के लिए यहाँ पर मैं मैजिक मसाला डाल रही हूँ। मसाला मैजिक आप डालिए, चाहे आप किचन किंग मसाला डालिए, चाहे गर्म मसाला डालिए, पर मेरा एक्सपीरियंस है कि मसाला मैजिक डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कटी हुई धनिया पत्ती से इसकी गार्निशिंग की, और ये बस हमारी बहुत शानदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे रोटी, पराठा, पूरी, जिसके साथ में भी खाना चाहें आप खा सकते हैं, दाल चावल, सभी के साथ में गजब के स्वाद की लगती है दोस्तों। तो अगर आप खाना बनाना सीख रहे हैं या पहली बार सब्ज़ी को बना रहे हैं, या फिर जोड़ीदार को खुश करने वाली बात हो और सबकी शाबाशी पाना चाहते हैं, तो इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।